Hello guys, Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need Bio Today we are going to study about in brief about Phylum Porifera. So without wasting time, let's get started. But before it's my request, please like, share and subscribe my channel. Okay? तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा को ब्रीफ में जो कि बीएससी लेवल का और ट्वेल्थ बोर्ड का भी बोर्ड के लेवल का होगा ठीक है तो पॉरीफेरा अब ये जो टर्म पॉरीफेरा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ठीक है तो ये जो टर्म पॉरीफेरा है इसका मीनिंग होता है पोर बियरिंग एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये जो टर्म पॉरीफेरा है वो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था तो द टर्म पॉरीफेरा वॉज गिवन बाय द रॉबर्ट ग्रांट रॉबर्ट ग्रांट ही ये टर्म सबसे पहले लाए थे नाउ पॉइंट्स सैरेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद टू जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक ठीक है इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो कैसा है वो सेलर है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद टू जॉम लेयर ठीक है अब इनकी बॉडी में दो जॉम लेयर प्रेजेंट है इसलिए इन्हें कहा गया है डिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनकी बॉडी में एक्टोडम और एंडोडम प्रेजेंट होती है मीजोडम एबसेंट होती है इसलिए कहा गया है डिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी में मीजोडम की जगह पे मीजोक्लिया प्रेजेंट होती है ठीक है नाउ सेकेंड पॉइंट ऑल आर एक्वाटिक मोस्टली मराइन एंड एसमेटिकल जितने भी बॉडी फेराज होते हैं वो सब एक्वाटिक होते हैं मतलब जितने भी हैं ऑल जितने भी हैं वो सब एक्वाटिक होते हैं वो सब पानी में रहते हैं उनमें से जो मोस्टली जो होते हैं वो मेराइन होते हैं और इनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है ठीक है एंड uh, एस निचल हमारे होते हैं ठीक है एस निचल होते हैं इसके साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शन uh, भी होता है कि ल्यूकोसोलिनिया टाइप का एक पॉलीफेरा है जिसकी बॉडी में सिमेट्री देखने को मिलती है जो कि रेडियल सिमिट्री सो so, करता है तो हमको ये याद रखना है कि भले ही सभी पॉरीफेरा जो हैं वो सिमेट्री सो नहीं करते हैं बट लीगोसोलिनिया एक ऐसा बॉरीफेरा है जो रेडियल सिमेट्री सो करता है अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की दे आर सेसाइल कोलोनियल एंड पोर लाइक बॉडी -like ठीक है ये ससाइल होते हैं ससाइल मतलब ये फ्री लिविंग होते हैं कॉलोनियल होते हैं मतलब ये कभी भी आपको अकेले समुद्र में ओशन में आपको ये अकेले नहीं मिलेंगे ये हमेशा अपने एक कॉलोनी में ही आपको मिलेंगे एक ग्रुप में मिलते हैं ये ठीक है पोल लाइक बॉडी इनकी बॉडी जो होती है मिलियंस ऑफ पोर से बनी होती है मतलब इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ पोर प्रेजेंट होते हैं अगर इनकी बॉडी को हम ध्यान से उसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिक तरीके से तो इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ पोर प्रेजेंट होते हैं ठीक है जो इनकी पहचान है नाउ फोर्थ पॉइंट एंट्री पॉइंट इज ऑस्टिया एग्जिट पॉइंट इज ऑस्कुलम ठीक है तो इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया एंड वाटर बाहर निकलता है विद दी हेल्प ऑफ ऑस्कुलम नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स प्रेजेंट इनकी बॉडी में कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल प्रेजेंट होती हैं ठीक है ठीके? जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं नाउ लास्ट पॉइंट डाइजेशन इज़ इंटरा मतलब इनमें डाइजेशन जो होता है इनकी बॉडी के अंदर चलता है नेक्स्ट पॉइंट ठीक है सो बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केल्टन मेड ऑफ़ स्पाइक्यूल्स ठीक है इनकी बॉडी जो होती है वो सपोर्ट support, सपोर्टेड uh, रहती है बाय ए स्केल्टन ठीक है जो बना होता है स्पाइक्यूल्स का मीन्स इनकी बॉडी में एक्चुअल स्केल्टन्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं बट इनकी बॉडी का फ्रेमवर्क जो होता है वो स्पाइक्यूल्स पर डिपेंड होता है जैसे नॉर्मल साइकन होता है ठीक है तो उसकी बॉडी माइन्यूट माइन्यूट इस शेप में स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो उससे उसकी बॉडी का एक फ्रेमवर्क जो है वो बन जाता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेक्सेज आर नॉट सेपरेट सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने टर्म दिया है हर्माफ्रोडाइट ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं ठीक है एक साइकन है तो उसकी बॉडी जो होगी वो एग को भी प्रोड्यूस करेगी और इस्पोंग को भी प्रोड्यूस करेगी ठीक है ये दोनों जो एग और स्पॉम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेक्स सेल से प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कहा जाता है आर्क्योसाइट्स ठीक है और बाद में इनका फ्यूज़न होता है जिसको आप जानते हो जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगॉड का फॉर्मेशन होता है ना नेक्स्ट पॉइंट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ठीक है फर्टिलाइजेशन जो होता है इनकी बॉडी के अंदर होता है इंटरनल होता है ठीक है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है मतलब डेवलपमेंट में ये है कि तुरंत ही जायगाड से एक एडल्ट फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं जयगॉड के बनने के बाद में ये लार्वा बनते, है बनते हैं इनके और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम के लार्वास like बनते हैं ठीक है लाइक साइकन है तो साइकन में लार्वा बनता है एम्फी ठीक है तो यहाँ पे इनका जो लार्वा बनता है वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है अडल्ट से इसलिए यहाँ पे इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन जो इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन में और रेस्पिरेशन में ठीक है स्पंजेस मतलब जो पॉलिशराज होते हैं उसमें तीन टाइप के वाटर कैनल सिस्टम देखने को मिलते हैं तीन भी होते हैं और फोर भी होते हैं ठीक है सो देयर नेम इज़ एस्कन टाइप सेकंड टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप ठीक है मैंने इस इस पॉइंट को ऊपर अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से इससे हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर ठीक है तो जो एस्कन टाइप के सिस्टम है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है और वो हमको ल्यूकोसोलिनिया में देखने को मिलता है सेकंड टाइप जो होता है वो हमको साइकन में मिलता है और जो हमारा ल्यकॉन टाइप है वो हमको स्पंजला में मिलता है ठीक है रेगॉन टाइप एक होता है जो हमको लार्वा और डेस्मोसपन्जिया में मिलता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम्पल्स में आता है स्पंजला ठीक है स्पंजला जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज इस तो इसकी जो इमेज है वो आपको डिस्प्ले में दिखेगी आपको ठीक है नाव क्लियोना क्लियोना जो होता है इसको कहा जाता है बोरिंग स्पंज ये जो हम हमने जो नेम ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं वो इनके साइंटिफिक नेम है और जो इनके ब्रैकेट में है वो इनके कॉमन नेम है ठीक है नाव यूप्लेक्टला यू प्लेटला जो होता है इसको कहा जाता है वीनस लार बास्केट जो कि मैरिज में कपल्स को दिया जाता है ठीक है एज अ साइन ऑफ टुगेदरनेस ठीक है नाउ लास्ट एग्जांपल इज हाइलोनेमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका कॉमन नेम होता है ग्लास रोप स्पंज सो अपना वीडियो ही एंड होता है थैंक यू सो मच